सर। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो आज के टाइम पे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, यानी वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। वार्म अप और स्ट्रेचिंग हर किसी को करना चाहिए। आज के टाइम पे सब क्या करते हैं, सबसे पहले जिम में आते हैं और ट्रेडमिल, साइकिलिंग या क्रॉस ट्रेनर को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं उससे वार्म अप हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कार्डियो से पहले भी आपको पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग प्रॉपर करना चाहिए, इससे आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। सो मैं आज आपको वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करके दिखाने वाला हूं, एंड इस चीज का खास ध्यान दें कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग से जब आप किसी मसल का वर्कआउट करते हैं तो वहां पे पंपिंग भी बहुत इजीली और बहुत अच्छी आती है। सो वार्म अप और स्ट्रेचिंग करें आप।
स्ट्रेचिंग हमारी हो चुकी है, सो इसके बाद अब हम तैयार हैं अपने वर्कआउट के लिए, क्योंकि अब बॉडी बिल्कुल वार्म हो चुकी है, इंजरीज होने के चांसेस नहीं है, मसल्स आई अब हम हिट कर सकते हैं, एंड जो बिगिनर्स हैं वो 10 टू 15 मिनट्स तो वार्म अप स्ट्रेचिंग पे दे सकते हैं। एंड अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आप हैवी वर्कआउट करते हैं, तो आपको 20-30 मिनट्स तो अपने वार्म अप पे देना ही चाहिए वार्म अप स्ट्रेचिंग पे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम जाते हैं और अपना वर्कआउट करते हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन फ्यूचर आपके इंजरीज कम होंगे, वार्म अप और स्ट्रेचिंग पर भी अब आप ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।